Hello everyone, this is Preet Kamal. Today we'll be discussing about the subject details of VLSI, that is very large scale integration, alpha description language. तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट अ न्यू टॉपिक दैट इज ASIC डिज़ाइन, तो आज हम लोग उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले ASIC डिज़ाइन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं और वहाँ से ASIC की जो इन्वेंशन है, जो रिलेशन एवोल्यूशन है, वो कैसे हुई. तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में समझते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या है. एक सर्कुलर पीस ऑफ प्योर सिलिकॉन जिसका डायामीटर 10 to 15 सेंटीमीटर्स का होता है एंड इट इज़ अ वेफर ऑफ 30 सेंटीमीटर्स डाया विच आर एक्सपेक्टेड सून. तो दैट इज़ अ सर्कुलर पीस ऑफ अ सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन जिसे हम वेफर बोलते हैं. एंड देन आफ्टर वेफर लॉट होते हैं 5 to 30 वेफर्स ईच कंटेनिंग हंड्रेड्स ऑफ चिप डाइज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द डाया उनके अंदर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेफर लॉट. बहुत सारे वेफर्स को इकट्ठा कर दिया हमने, राइट. अब डाई क्या होती है, हम बोले कंटेनिंग हंड्रेड्स ऑफ डाइज, 5 to 30 वेफर्स, वेफर्स कंटेनिंग डाइज, हंड्रेड्स ऑफ डाइज और चिप्स. डाई क्या होते हैं, दिस वन अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ सिलिकॉन दैट कंटेन्स वन IC डिज़ाइन, जिसके अंदर एक चिप के अंदर एक चिप होती है, एक प्योर सिलिकॉन का रेक्टेंगुलर पीस होता है, बहुत बारीक सा, बहुत थिन, और दैट कंटेन्स द IC डिज़ाइन, जिसके अंदर IC का डिज़ाइन होता है. और इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ डाइज जो होते हैं वो इन वेफर्स के अंदर लगे हुए होते हैं, तो उसी को मिला के वेफर लॉट बनते हैं. एंड देन आफ्टर इज द मास्क लेयर. सो ईच IC इज मैन्युफैक्चर्ड विद सक्सेसिव मास्क लेयर्स, हर एक IC जो है उसको मास्क लेयर्स के साथ 10 टू 15 मास्क लेयर्स के साथ उसको डिज़ाइन किया जाता है. फर्स्ट हाफ डजन और सो लेयर्स डिफाइन ट्रांजिस्टर्स एंड अदर हाफ डजन डिफाइन इंटरकनेक्ट. तो फर्स्ट हाफ डजन जो लेयर्स होती हैं, मतलब 6 to 7 लेयर्स जो फर्स्ट हाफ होती हैं, उन के अंदर ट्रांजिस्टर्स को डिफाइन किया जाता है, मतलब वो किस तरह से ट्रांजिस्टर्स जो हैं, कौन कौन से ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो इस IC के अंदर हैं जिसके साथ वो IC को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, कौन कौन सा चिप क्या काम करेगा, कौन से ट्रांजिस्टर्स कहाँ पे होंगे, वो सारा कौन कौन से ट्रांजिस्टर्स होंगे वहाँ पे, वो फर्स्ट 6 to 7 लेयर्स में वो चीज़ें डिफाइन की जाती हैं. एंड बाकी की जो हाफ डजन यानी कि 6 to 7 बाकी की जो लेयर्स होती हैं उनके अंदर उनके इंटरकनेक्शंस को डिफाइन किया जाता है. तो इस तरह से वो मास्क लेयर्स जो हैं वो बनाई जाती हैं और उनको मिला के, उनके इंटरकनेक्ट्स और ट्रांजिस्टर्स को मिला के हमारा एक इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो तैयार किया जाता है, राइट. तो जब उसको एक पैकेज में डाला जाता है तो उसे कौन सा पैकेज बोलते हैं, PGA पैकेज, पिन ग्रिड एरे. तो उसके सेंटर में ये हमारा सिलिकॉन डाई होता है, राइट, और उसके आसपास में पिन्स होती हैं. सो ए पार्ट क्या है हमारा, पैकेज है, पिन ग्रिड एरे पैकेज. और बी पार्ट में हमने क्या शो किया है, द सिलिकॉन डाई और चिप अंडर द पैकेज लिड. उस पैकेज लिड के अंदर क्या होती है, हमारी सिलिकॉन डाई होती है जिसके अंदर वो मास्क लेयर्स होती हैं जिसके अंदर डिफाइंड होता है कि कौन से ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं उसके अंदर और कौन से इंटरकनेक्शंस हैं, कौन सा पिन कहाँ पे कनेक्ट होगा. अब एवोल्यूशन ऑफ IC जब हुआ तो इन 1962 इट वाज डिक्लेयर्ड कि SSI जो ICs हैं वो बनाए जाएंगे, SSI जो ICs हैं वो बनाए जाएंगे, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन जिसमें टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स और नैन और नॉर गेट्स जो थे उसके थ्रू ये बनाए गए. देन मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स और काउंटर्स यूज किए गए, राइट. देन आफ्टर 1970s में LSI टेक्नोलॉजी जो थी वो आई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स जो था उनको बनाया गया. देन VLSI मीन्स यहाँ पे काउंटर्स के ICs बने, यहाँ पे नैन और गेट्स के ICs बने टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स के साथ, हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स के साथ, ये टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स के साथ फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर LSI टेक्नोलॉजी से बनाया गया. देन VLSI टेक्नोलॉजी आई इन 1980s, तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड सेवरल बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो थे उसको अंदर यूज़ किए गए, जिसकी हेल्प से 64-bit माइक्रो प्रोसेसर विद कैशे मेमोरी एंड फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक यूनिट्स को डिज़ाइन किया गया. देन आफ्टर ULSI टेक्नोलॉजी दैट इज द अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इन लेट 1980s में इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें अब मोर दैन अबाउट 1 million सर्किट एलिमेंट्स ऑन अ सिंगल चिप डिज़ाइन किए गए एंड द इंटेल 486 एंड पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर्स यूज द ULSI टेक्नोलॉजी, उन्होंने यूज़ करके उसको बनाया.
टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज हो रही हैं? आईसी टेक्नोलॉजी सबसे पहले बायपोलर, जिसमें एक्यूरेसी ज्यादा है, मॉस गेट एल्यूमिनियम लो पावर कंजप्शन और लो कॉस्ट वाली है, और सीमॉस टेक्नोलॉजी जिससे गेट पॉलीसिलिकॉन और लो पावर कंजप्शन लो कॉस्ट वाली सीमॉस या बाय सीमॉस टेक्नोलॉजी से इनको बनाया जाता है। किस किस तरह के आईसीज होते हैं हमारे पास? स्टैंडर्ड आईसी होते हैं, ग्लू लॉजिक आईसीज होते हैं, एसिक और एएसएसपी। ग्लू लॉजिक का मतलब क्या है? माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, वो बन गया एक मैटर ऑफ डिफाइनिंग द फंक्शंस दैट यू कैन इम्प्लीमेंट यूजिंग द स्टैंडर्ड आईसीज एंड देन इम्प्लीमेंटिंग द रिमेनिंग लॉजिक फंक्शंस, समटाइम्स कॉल्ड द ग्लू लॉजिक विद वन और मोर कस्टम आईसीज। मतलब जो बेसिक डिजाइन है, मैटर ऑफ डिफाइनिंग द फंक्शंस दैट यू कैन इम्प्लीमेंट यूजिंग स्टैंडर्ड आईसीज के साथ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिजाइन किया गया, और जो बाकी के लॉजिक फंक्शंस रह गए थे उन्हें ग्लू लॉजिक के थ्रू कस्टम आईसी बना के फिर उसके थ्रू उसके साथ एड ऑन कर दिया गया। तो दैट वॉज द ग्लू लॉजिक। But this is not a part, this is just I'm telling you so that you should know about ki ASIC ki, ASIC technology, jo application specific ICs hain, wo kahan se evaluate hain, right? Starting kahan se hui hamari basic integrated circuit se, integrated circuit kaise banta hai us cheez se, then after स्टैंडर्ड आईसीज बनाए गए वो भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी से, एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई, यूएलएसआई, उसके बाद ये टेक्नोलॉजीज आई एंड नाउ एसिक टेक्नोलॉजी एएसएसपी, एप्लीकेशन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, ये टेक्नोलॉजीज जो हैं वो यूज में आए। अब एसिक के साथ भी दो तरह की टेक्नोलॉजीज आई, एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक एंड एक नॉन एप्लीकेशन स्पेसिफिक। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं नॉन एप्लीकेशन स्पेसिफिक की, कि उसके अंदर सिर्फ स्टैंडर्ड पार्ट्स होंगे, मेमोरी चिप्स, रोम्स, डी रैम्स, एस रैम्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, टी टी एल इक्विवेलेंट आईसीज जो एसएसआई, एमएसआई और एलएसआई लेवल्स पे बनाए जाते हैं, वो एसिक्स हो गए। दे आर नॉट एप्लीकेशन स्पेसिफिक, राइट? वो बेसिक तरीके से बेसिक डिजाइनिंग के लिए, एक जनरल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जो आईसीज एसिक्स के साथ बनाए जाते हैं या होते हैं, वो उनके अंदर क्या होता है? चिप फॉर अ टॉय बियर दैट टॉक्स, स्पेशल चिप बनाई जाती है, जैसे कि जो बच्चे जिन टॉयज के साथ खेलते हैं उनमें आपने देखा होगा कोई टॉय कैट या टॉय पैरट होता है, उसके अंदर वट एवर यू स्पीक दे रिपीट और दे टॉक टू यू, और उनके अंदर कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड कुछ सॉन्ग्स या कुछ स्टोरीज जो हैं वो उनके अंदर सेव्ड होती हैं, एंड वेन वी प्रेस देम तो वो स्टोरीज जो हैं वो सुनाते हैं, राइट? तो अ टॉय बियर और अ टॉय कैट, राइट? तो उनके अंदर जो चिप होती है जो स्पेसिफिकली उसी के लिए डिज़ाइन की जाती है, बनाई जाती है, उसे बोलते हैं एसिक। उस वो एसिक डिज़ाइन से बनाया जा रहा है आईसी। और अ चिप फॉर अ सैटेलाइट, और अ चिप विच इज़ डिज़ाइन टू हैंडल द इंटरफेस बिटवीन द मेमोरी एंड द माइक्रो प्रोसेसर फॉर अ सीपीयू, और अ चिप दैट इज कंटेनिंग अ माइक्रो प्रोसेसर एज अ सेल टुगेदर विद द अदर लॉजिक। तो मतलब एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिकली एक ही पर्टिकुलर काम को करने के लिए जब कोई आईसी डिजाइन किया जाता है, तो दैट इज बेसिकली अंडर द टेक्नोलॉजी ऑफ एसिक, दैट इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट? अगर हम एएसएसपी की बात करें, दैट इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, राइट? तो उसकी एग्जाम्पल जो है वो हम किस तरीके से ले सकते हैं एएसएसपी की? द टू आईसीज दैट माइट और माइट नॉट बी कंसिडर्ड एसिक्स। तो जरूरी नहीं है कि ये दो आईसीज से बना होगा, लेकिन जरूरी नहीं है वो दोनों आईसीज जो है वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक होंगे या नॉन एप्लीकेशन स्पेसिफिक होंगे। सो अ कंट्रोलर चिप फॉर अ पीसी एंड अ चिप फॉर अ मॉडम, देन बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अस आर स्पेसिफिक टू वन एप्लीकेशन, इट कैन बी कॉल्ड एज अ शेड of an ASIC, but are sold to many different system vendors. Shares of a standard part hote hain uske andar. So ASICs such as these sometimes called application specific standard products. So unhe kuch applications ke liye, particular applications ke liye do ya do se zyada को जब कंबाइन किया जाता है आईसीज को, चाहे वो दो ASICs को कंबाइन किया जाए, दो नॉन ASICs को, या एक ASIC एक नॉन ASIC का इस तरह से स्टैंडर्ड पैकेज बनाया जाए जब, तो उसे ASSP बोलते हैं, राइट? देन मेजरमेंट ऑफ आईसी। अब मेजरमेंट ऑफ आईसी में क्या है? उसका गेट इक्विवेलेंट, कितने गेट्स उसमें यूज होते हैं, उसका बेसिक साइज क्या हो सकता है, हाफ ऑफ द स्मॉलेस्ट ट्रांजिस्टर लेंथ के बराबर हो सकता है, 0.5 माइक्रोमीटर का आईसी हो सकता है, उसके फीचर साइजेस क्या है, उसका लैम्डा जो है वो 0.25 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, और ज्यादा नंबर ऑफ गेट्स हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब टाइप्स कौन कौन सी हैं? ASICs जो हैं हमारे फुल कस्टम ASICs होते हैं और सेमी कस्टम होते हैं, राइट?
तो फुल कस्टम्स कौन से हैं? पॉसिबली ऑल लॉजिक सेल्स एंड ऑल मास्क लेयर्स जो होती हैं वो कस्टमाइज्ड होती हैं। सेमी कस्टम में सारे लॉजिक सेल्स जो हैं वो प्री डिजाइंड होते हैं, एंड सम मास्क लेयर्स जो हैं वो कस्टमाइज्ड होती हैं, तो वो सेमी कस्टम हो गया। तो इसके अंदर क्या टाइप्स होगी? स्टैंडर्ड सेल बेस्ड, गेट एरे बेस्ड और प्रोग्रामेबल एसिक्स। और प्रोग्रामेबल एसिक्स के अंदर हमारे पास PLDs और FPGAs आते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, सॉरी लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे, दैट इज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस और हमारा फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दीज वर बेसिकली द टाइप्स ऑफ योर प्रोग्रामेबल एसिक्स। ये प्रोग्रामेबल एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये कहाँ से आए? एसिक्स के थ्रू आए। एसिक्स के अंदर अगर हम डिफिनेशन दें तो फुल कस्टम और सेमी कस्टम, मतलब कस्टमाइज्ड जो लेयर्स हैं हमने अपने हिसाब से जिनको कस्टमाइज किया है। तो अगर सारे लॉजिकल सेल्स और सारे मास्क लेयर्स को हमने अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज किया है तो उन्हें फुल कस्टम बोलते हैं, और अगर वो लॉजिक सेल्स प्री डिजाइंड हैं और उनकी कुछ एक लेयर्स को हमने कस्टमाइज किया है तो उसे हम सेमी कस्टम बोल देते हैं। और उसके आगे भी कुछ टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड सेल, गेट एरे बेस्ड और प्रोग्रामेबल है, राइट? तो फुल कस्टम में क्या है? पॉसिबली ऑल द कस्टमाइज लॉजिक सेल्स, ऑल द लेयर्स, मास्क लेयर्स कस्टमाइज, राइट? देन मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम इज टिपिकली 8 weeks टाइम टेकन टू मेक द IC, डज नॉट इंक्लूड द डिज़ाइन टाइम। डिज़ाइन टाइम के अलावा टिपिकली 8 weeks लेता है एक IC को डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए, राइट? डिज़ाइनिंग डिफरेंट है, मतलब जो कंप्यूटराइज पार्ट है वो अलग है, उसके बाद के जो प्रोसेसेस हैं, उसकी चिप तैयार करना, उसकी लेयर तैयार करना एंड ऑल दीज थिंग, दे आर डिफरेंट, राइट? देन फुल कस्टम ASIC डिज़ाइन मेक सेंस ओनली वेन नो सूटेबल एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी एग्जिस्ट। When existing library cells are not fast enough, the available pre-designed or pre-tested cells consume too much power that a design can allow, and available logic cells are not compact enough to fit, and ASIC technology is new and so special that are no library cells exist. मतलब ये full custom हम लोग design customized ICs कब बनाते हैं? Completely customized, कुछ भी pre-defined हमने नहीं use किया है, अगर उनमें ये problems होती हैं कि सुटेबल लाइब्रेरीज एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, या जो लाइब्रेरी एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो फास्ट एक्ट नहीं कर रहे हैं, या जो अवेलेबल प्री डिज़ाइन प्री टेस्टेड सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं दैट अ डिज़ाइन कैन अलाउ, राइट? या लॉजिकल अवेलेबल जो सेल्स हैं वो पूरे कॉम्पैक्ट नहीं हैं सो दैट वो डिज़ाइन के अंदर फिट हो जाए, राइट? एंड सो स्पेशल दैट नो सेल लाइब्रेरी एक्सिस्ट, या उस तरह की जो आप डिज़ाइन करना चाहते हो उसकी कोई प्री एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी है ही नहीं, तो आपको सब कुछ नए सिरे से ही बनाना पड़ेगा। तो वो उस टाइम पे हम लोग फुल कस्टम ICs जो हैं उनको डिज़ाइन करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट ऑफर्स हाइएस्ट परफॉर्मेंस, लोएस्ट कॉस्ट, लेकिन डिज़ाइन टाइम इंक्रीज होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, कॉस्ट, डिज़ाइन कॉस्ट बढ़ती है, रिस्क भी बढ़ता है, पता नहीं वो चलेगा या नहीं चलेगा। एग्जाम्पल्स क्या हैं उसके? माइक्रो प्रोसेसर, हाई वोल्टेज ऑटोमोबाइल कंट्रोल चिप्स, देन एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन चिप्स, देन सेंसर्स, एक्चुएटर्स, ये सारे क्या हैं उसके एप्लीकेशंस हैं। देन सेमी कस्टम डिज़ाइन में क्या होता है? प्री डिज़ाइंड लॉजिक सेल्स को यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड सेल्स को यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, अदर मेगा सेल्स, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर्स, उनको यूज़ कर सकते हैं, फुल कस्टम ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, सिस्टम लेवल मैक्रोज को यूज़ कर सकते हैं, फंक्शनल स्टैंडर्ड ब्लॉक्स को, कोर्स को, सबको यूज़ कर सकते हैं, गेट ऑल द मास्क लेयर्स, उनको कस्टमाइज कर सकते हैं ट्रांजिस्टर्स और इंटरकनेक्ट्स लगा के। मैन्युफैक्चरिंग टाइम जो है अबाउट 8 weeks का होगा, और कस्टम ब्लॉक्स जो हैं उनको एम्बेड कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है? तो इस तरह से ये सेमी कस्टम एसिक्स जो हैं उनको बनाया जाता है। तो इसके अंदर रूटिंग प्रोवाइड की जाती है, एक वॉल बनाया जाता है स्टैंडर्ड सेल्स का जो फ्लेक्सिबल ब्लॉक बनाता है, मेटल टू यूज़ करते हैं फीड थ्रू सेल बनाने के लिए, क्रॉसओवर सेल्स, रोज बनाने के लिए वायरिंग सेल्स यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, स्पेसर सेल्स, रो एंड सेल्स, पावर सेल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसको सिबिक बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेल बेस्ड एसिक, इसको सिबिक डिज़ाइन बोलते हैं, सिबिक, CBIC, ठीक है? स्टैंडर्ड सेल बेस्ड ICs बोल देते हैं इसको, ठीक है? तो इसके अंदर स्टैंडर्ड सेल्स भी होते हैं, फिक्स्ड सेल्स भी होते हैं, फिक्स्ड ब्लॉक्स भी होते हैं, और उनके अंदर अपने तरीके से आप उनको यूज़ कर सकते हो, राइट? उसके बाद ये स्टैंडर्ड सेल्स हैं, कंस्ट्रक्शन हो सकती है उनकी फ्लेक्सिबल ब्लॉक्स की, राइट? वायरिंग हो सकती है फीड थ्रू सेल्स के थ्रू, स्पेसर सेल्स के थ्रू,
रो एंड सेल्स के थ्रू, पावर सेल्स के थ्रू किसी भी तरीके से उनकी वायरिंग कर सकते हैं। इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, टाइम सेव होता है, रिस्क रिड्यूस होता है, मनी सेव होती है, ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है इंडिविजुअली फॉर स्पीड और एरिया, लेकिन टाइम टू डिज़ाइन स्टैंडर्ड सेल लाइब्रेरी इट विल टेक, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, और टाइम जो है दैट इज़ नीडेड टू फैब्रिकेट ऑल द लेयर्स फॉर द न्यू डिज़ाइन। टाइम उतना ही चाहिए होता है जितना कि एक नए डिज़ाइन को चाहिए, ठीक है। इसी तरह से गेट एरे एसिक्स होते हैं, चैनल्ड गेट एरे एसिक्स होते हैं, उसमें प्री डिफाइंड ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया जाता है, प्री डिफाइंड पैटर्न्स को यूज़ किया जाता है, बेस एरे, बेस सेल, मास्क गेट एरेज को यूज़ कर सकते हैं, लेस टर्न अराउंड टाइम होता है उसके अंदर, फ्यू डेज और फ्यू कपल्स ऑफ वीक में इसको बनाया जा सकता है। देन गेट एरे, मास्क गेट एरे, प्री डिफ्यूज एरे यूजेज मैक्रोज books to reduce turnaround time and compromises a base array made from a base cell or a primitive cell. तो इसमें channeled gate arrays, channel-less gate arrays और structured gate arrays, कोई भी इसके अंदर semi-custom gate arrays के अंदर इसको यूज कर सकते हैं manufacturing के लिए, ठीक है। सिमिलर टू सिबिक ही होता है, बट यहाँ पे स्पेस जो होती है वो फिक्स्ड होती है, राइट। तो channeled gate array भी हो सकता है, channel-less भी हो सकता है, राइट। एंड देन आफ्टर कोई और जो टाइप है हमारी स्ट्रक्चर्ड गेट एरेज जो है उसको भी यहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है इसके टाइप्स के अंदर, ठीक है। फिर ऐसे ही सेमी कस्टम के अंदर और भी टाइप्स होती हैं हमारे पास, जैसे ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर्ड गेट एरे। ये मैं क्यों फास्ट फास्ट करवा रही हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, कि बेसिक जो आपके कंटेंट्स हैं आपके सिलेबस के उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, सिर्फ एसिक डिज़ाइन फ्लो मॉडल, उसकी मेथडोलॉजीज, राइट, जो हम लोगों ने जिसका बेस हम लोगों ने कल देखा था, अब आज उसको डिटेल में बात कर रहे हैं एसिक्स क्या हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो दैट इज़ वाई जस्ट आई एम डिस्कसिंग इट इन अ क्विक मैनर कि ये चीज़ें हैं एंड दिस यू शुड नो, अदरवाइज आई हैव शेयर दिस लिंक विद यू ऑल, राइट, इन आर ग्रुप। तो आप वहाँ पे इसके बारे में अगर आप स्टडी करना चाहते हो इन डिटेल तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। बेसिक थिंग इज स्ट्रक्चर्ड गेट एरे के अंदर एक एम्बेडेड गेट एरे या स्ट्रक्चर्ड गेट एरे या मास्टर इमेज जो है उसको यूज करते हैं, ओनली द इंटरकनेक्ट जो होता है वो कस्टमाइज होता है, कस्टम ब्लॉक्स दे कैन बी एम्बेडेड, और मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम जो है वो 2 days to 2 weeks के बीच में होता है। सो मतलब ये जल्दी जो है वो प्रिपेयर हो जाता है, जल्दी रेडी हो जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या एक डिसएडवांटेज है, दैट दिस मेक्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेमरी, फॉर एग्जाम्पल जो मेमरी को अगर इम्प्लीमेंट करना हो इसके बीच में, उसको डिफिकल्ट और इनएफिशियंट बना देता है। सो दिस इज डेडिकेटेड टू अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो सेमी कस्टम हो या कोई भी ऐसे डिजाइन जो होते हैं वो सारे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया को चैनलाइज करने के लिए या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए ही उनको डिज़ाइन किया जाता है, राइट। तो जो देखो अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। जो चैनल गेट एरे था उसमें स्पेसिफिक स्पेस होती है, राइट, तो ये उसके एडवांटेज है इंटरकनेक्शन के लिए, इसको स्पेसिफिक स्पेस प्रोवाइड की जाती है, बट कंपेयर टू सिबिक स्पेस इट इज़ नॉट एडजस्टेबल, एडजस्टेबल नहीं होता। जो चैनल लेस होता है उसकी लॉजिक डेंसिटी अच्छी होती है, राइट, कॉन्टैक्ट लेयर्स जो है वो कस्टमाइज होती हैं, लेकिन इसमें रूटिंग के लिए कोई स्पेसिफिक एरिया डिजाइन नहीं किया जाता है, डिफाइन नहीं होता है, और रोज ऑफ ट्रांजिस्टर्स दे आर यूज फॉर रूटिंग, दे आर नॉट यूज फॉर अदर पर्पसेस। तो जो ट्रांजिस्टर्स के जो रोज बनाई जाती हैं रूटिंग के लिए, उनको और किसी काम के लिए यूज नहीं कर सकते, तो अगर ट्रांजिस्टर्स उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो नॉट यूज देम। दिस वॉज अ डिसएडवांटेज। स्ट्रक्चर्ड गेट एरे के अंदर एडवांटेजेस क्या है, एम्बेडेड गेट एरे जो है It is set in some of the IC areas and dedicated to specific function customized. Increased area efficiency, performance increase होती है, low cost है, fast turnaround of MGA है, लेकिन disadvantage क्या है, embedded functions जो होते हैं इसके वो fixed होते हैं, right? तो अब अगर हम semi-custom ICs में अगर programmable ASICs की बात करें तो PLDs, low density devices हैं जिनको हम use कर सकते हैं, इसमें PLA, PAL, GAL जो हम लोग already पढ़ चुके हैं, CPLDs, FPLDs, FPGAs, user configurable होते हैं, regular structures होती हैं उनके अंदर, different programming technologies को allow कर सकते हैं, allow both matrix and row based architectures, दोनों तरीके से हम उनके साथ work कर सकते हैं, और programmable ASICs को हम बहुत detail में पिछले chapter में पढ़ चुके हैं, about the programmable array logic, about programmable logical array, then about the generic array logic, then about the PL, CPLD, FPGA, FPA, we have all studied about that, right? So they were your
प्रोग्रामेबल एसिक्स हैं हमारे, ठीक है। तो ये PLDs के बारे में ही बताया गया है, एग्जाम्पल उनके बताई गई हैं, रैम, रोम, ईपी रोम, वी हैव ऑल स्टडीड दिस, राइट। तो ये सारे जो हैं वो हम लोग लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में हम लोग दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये वही सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक, एरेज, गेट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो ये CPLDs, PLDs, FPGAs, प्रोग्रामेबल एसिक्स जो हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की, राइट। तो अगर हम बात करें वाई FPGA बेस्ड ASIC डिज़ाइन, हम लोग प्रेफर करते हैं FPGA बेस्ड ASIC डिज़ाइंस, क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, गेट डेंसिटी, डेवलपमेंट टाइम, प्रोटोटाइपिंग एंड सिमुलेशन टाइम, मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, फ्यूचर मॉडिफिकेशन, इन्वेंटरी रिस्क एंड कॉस्ट। तो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो कस्टम लॉजिक के कंपैरेटिवली या डिस्क्रीट लॉजिक के कंपैरेटिवली जो FPGA या FPLDs हैं, दे आर प्रिटी मच इफेक्टिव। सो दैट इज़ वाई जनरली जो ASIC डिज़ाइंस होते हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक ICs को डिज़ाइन किया जाता है, उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो FPGA यूज़ की जाती है। सो बेस्ड ऑन द फंक्शनल यूनिट और लॉजिक सेल स्ट्रक्चर, डिफरेंट कैटेगराइजेशन होती हैं FPGA की, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिस्टर पेयर्स, अकॉर्डिंग टू द बेसिक लॉजिक गेट्स, अकॉर्डिंग टू द लुकअप टेबल्स, अकॉर्डिंग टू द वाइड फैन इन एंड और गेट्स, या प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी उसमें कौन सी यूज़ कर रहे हैं, एंटी फ्यूज यूज़ कर रहे हैं, SRAM यूज़ कर रहे हैं, EP ROM यूज़ कर रहे हैं, गेट डेंसिटी कितनी है और चिप आर्किटेक्चर कैसा है, यानी कि रूटिंग स्टाइल कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली FPGAs को सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सी FPGA टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ किया जाएगा टू मैन्युफैक्चर द ASICs। तो इसमें डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, रैम ब्लॉक्स हैं, इम्प्लीमेंट फंक्शन करते हैं, मल्टीप्लेक्सर्स यूज़ करते हैं, लॉजिक गेट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी FPGA के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक सेल्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, राइट। जाइलिंग स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लॉजिक सेल्स है उनके बारे में यहाँ पे सारा बताया गया है, आर्किटेक्चर, उनकी गेट डेंसिटी, बेसिक सेल, उनकी प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी, कोई SRAM यूज़ कर रहा है, कोई एंटी फ्यूज यूज़ कर रहा है, कोई EPROM प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। सो दीज आर द गेट एरे, उनकी कैपेसिटी, उनका बेसिक सेल और उनकी प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी। तो जाइलिंग्स के अंदर हम लोग मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी, मैट्रिक्स आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, 2 to 10 के उसकी कैपेसिटी होती है जो मैक्सिमम है। रैम ब्लॉक यूज करते हैं एज अ बेसिक सेल और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसके अंदर SRAM, राइट। तो जो Xilinx एरिया है, जो हमारा VHDL का बेसिक है जिसको हम यूज कर रहे हैं, वो ये चीज है। तो एंटी फ्यूज, स्टैटिक रैम और EPROM, तो ये 3 टेक्नोलॉजीज हैं जिनके प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजीज के साथ हम अपने ICs को डिजाइन कर सकते हैं। तो एंटी फ्यूज के अंदर कुछ इस तरीके से एंटी फ्यूज डिफ्यूजन्स होती हैं, पॉलीसिलिकॉन्स होते हैं, ONO डायलेक्ट्रिक्स होते हैं, राइट, एंटी फ्यूजन सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर, और इस तरीके से उनकी डिजाइनिंग जो है वो की जाती है, राइट। तो इन्वेंटेड एट स्टैनफोर्ड एंड डेवलप्ड बाय ACTEL, एक्टल। Opposite to regular fuse technology, normally open circuit use करते हैं until a programming current is forced through it. तो दो तरह की होती है ACTELs, PLIs, programmable low impedance circuit element उसके अंदर हम लोग use कर सकते हैं, anti-fuse cross section है, link in ACTEL anti-fuse है, ACTEL anti-fuse in metal contacts और ACTEL anti-fuse resistance. तो it is basically PLIs is programmable लो इम्पिडेंस सर्किट एलिमेंट जो इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं एंटी फ्यूज टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसमें हाई रेजिस्टेंस पॉली डिफ्यूजन एंटी फ्यूज यूज करते हैं, ONO लेयर जो है वो हाई रेजिस्टेंस देती है, और 5 mA रेजिस्टेंस 500 ohms यूज कर सकते हैं। देन प्रोग्रामिंग टाइम जो है वो 5 to 8 minutes का होता है इसका, तो इट इज वेरी क्विक, लेकिन ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए टू कनेक्ट विद इन द मेटल लेयर एंड एड पैरासिटिक कैपेसिटेंस, अनवांटेड लॉन्ग डिले हो सकता है, और इसके अंदर हम लोग ये चीज़ें, ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। सो इस तरह से प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं हम लोग उनको यूज़ करते हैं। कोई क्विक लॉजिक्स, लो रेजिस्टेंस, मेटल एंटी फ्यूज टेक्नोलॉजी, वायलिंग टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं उसके अंदर। तो एंटी फ्यूज में भी बहुत सारी टाइप्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजीज की, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ ASIC
डिज़ाइन कि किस तरह से हम ये इवोल्यूशन उसकी कहाँ से हुई, कैसे स्टार्ट हुआ और कौन सा डिज़ाइन जो है हम इसके अंदर फॉलो कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे एंड फर्दर वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. उसमें हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे. आई विश इट इज़ ऑल क्लियर टू यू. स्टिल देर विल बी एनी डाउट्स वी विल बी टेकिंग देम लेटर ऑन. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.